जी हाँ दोस्तों, क्या आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाना? तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि चार पांच तरीका जिसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड से आप पैसा अर्न कर सकते। बहुत कमाल का मैं आपको चार पांच स्टेप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली घर बैठे अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। चलिए इसमें जान लेते हैं क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ईजिली आप पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से हम लोन प्रोवाइड करते हैं या लोन लेते हैं, लेकिन आप घर बैठे क्रेडिट कार्ड से पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहला है, इसमें कैशबैक, यानी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो उसमें आपको कैशबैक दिया जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप सपोज ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको कैशबैक दिया जाता है। यानी कैशबैक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा अर्न कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, रिवार्ड्स पॉइंट। कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट जब ऑनलाइन आप परचेजिंग करते हैं तो उसमें आपको कुछ रिवार्ड्स पॉइंट दिया जाता है। यानी 100 रुपीज एक्सपेंड करते हैं तो उसमें आपको एक पॉइंट या दो पॉइंट ऐसे दिया जाता है। उसकी भी वैल्यू होती है। अगर आप 10,000-20,000 की शॉपिंग करते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को डिपार्टमेंट होता है, वह क्रेडिट कार्ड को आपको रिवॉर्ड पॉइंट देता है। तो आप रिवॉर्ड पॉइंट से भी आप कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तीसरा इसमें क्या होता है, साइन अप बोनस। यानी तीसरा जो ऑप्शन है, साइन अप बोनस, यानी जब क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है तो साइन अप करने के लिए आपको कुछ बोनस दिया जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है 500, किसी का 1,000, किसी का 1,500, किसी का 2,000, ऐसे साइन अप बोनस आपको दिया जाता है। तो उससे भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा अर्न कर सकते हैं। चौथा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चौथा ये रेफरल बोनस। अगर आप किसी को क्रेडिट कार्ड अपना रेफरल करते हैं तो बहुत सारे बैंक है जिसको आप रेफरल करते हैं, जैसे सिटी का क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया। इसमें क्या होता है, आप अगर आपने आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसको आप रेफरल करते हैं अपने यार दोस्तों को और उनका कार्ड अप्रूवल हो जाता है तो आपको रेफरल बोनस दिया जाता है। उसमें आपको 3,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक मिलता है। तो इससे भी आप अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप घर बैठे कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर सकते हो। जो पांचवा है, इसकी मैं चर्चा कर लूँ, बैलेंस ट्रांसफर। यानी अगर आप चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने ट्रांसफ़र करना तो आप इजीली ट्रांसफ़र कर दे सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे आप अपने बैलेंस को, अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को, अगर आप चाहते हैं, सपोज दैट आपने लोन लिया हुआ है और आप चाहते हैं उस पैसे को ट्रांसफ़र करना, तो आप इजीली आप अपने क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको टाइम मिल जाता है और आपको किसी यार दोस्तों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो उधार लेंगे तो आपको पैसा वहाँ पर आप अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं। और छठवां जो इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, यहां पे ऐड मनी। अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड से आप अपने अकाउंट में पैसा को ऐड कर सकते हैं। मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाया कि कैसे आप फ्री में अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसा को ऐड करेंगे। यहां पे जाकर के, यहां पे मैं लिंक दे रहा हूं, यहां पे जाकर क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप घर बैठे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे फ्री में। यानी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके उसमें जब आप ट्रांसफर कर लेते हैं तो उसमें आपको 50 दिन का टाइम मिल जाता है, उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर रख के उसका इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। यानी इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये पांच नहीं, छह मैंने आपको तरीका बताया जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये तरीका था जिसको फॉलो करके इसलिए आप घर बैठे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा कमा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट चाहे कोई भी क्वायरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।